हेलो हाय नमस्ते। ओके, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा स्टोरी। एक स्टोरी है छोटा सा, ओके, एक स्टोरी है छोटा सा, लेकिन बड़े से बड़े लर्निंग हमको दे रहा है। ओके, तो बिना देर के हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में क्या हुआ, एक फादर और उसके सन दोनों मिलजुल कर रहते थे। ओके, उस दोनों क्या कहते हैं, खुश नसीब वाले थे। हर घड़ी उनके फेस पे स्माइल आ रहा था। तो ये क्या है ना, कुछ दिनों के बाद या ओके, तो उनके जो पुत्र था ओके, वो डिप्रेशन में चला गया। तो उसके पिताजी ने सोचे, मेरा पुत्र का क्या हुआ है, मैं कैसे इसका हल निकालूं या उसका समाधान का जो प्रॉब्लम हुआ है उसके साथ, किससे इसको समाधान करूँ या सॉल्व करूँ। तो उसने सोच सोच के क्या किया ना, एक उसके जो दादाजी थे उनकी घड़ी था, घड़ी वॉच। तो उसने क्या किया ना, जो उनके जो सन था यानी पुत्र था, उसको फिर एक घड़ी दे दिए। बोले जो पास भी जो दुकान है उसकी जा उसको एक घड़ी दिखाओ और बोलो उसका वैल्यू क्या है, कितना उसका रेट है। तो बच्चा ने चला गया। तो चले के चलने के बाद जो भी उसका वैल्यू उसने पास भी दुकान में बोला, तो उसको लिख कर एक ना एक पर्ची में लाया। तो पापा जी बोले, कितने बोला ना, ये तो बोले 1,000 रुपीज़। ओके, पापा जी पर्ची को रखे। तो उसके दूसरे दिन क्या गया, वही घड़ी को पास भी जो हमारी कबाड़ी दुकान है उसकी जगह पूछने के लिए उसके बच्चे को बोल दिया। तो वो भी वो क्या किया ना, कबाड़े की दुकान जो बोला वैल्यू उसको क्या, वो भी एक पर्ची में ला कर दिया। बोले कितना बोला ना, कबाड़े के वाला बोला 100 रुपया। तो फिर तीसरे दिन क्या गया ना, वही घड़ी को तो उसके सन को दिए। बोले कि जो पास भी जो म्यूजियम है उसके पास जाओ और उसके वैल्यू बोल कर जो बोलेगा उसको लिख कर लाओ। तो म्यूजियम गया, म्यूजियम में वही पर्ची जो वैल्यू बोले वही पर्ची में लेकर आया। तो पर्ची में लेकर आया तो पिताजी ने बोला, म्यूजियम वाले क्या बोले, म्यूजियम वाले बहुत खुश हो गए और उसका वैल्यू 5 लाख बोले। ओके, तो पापा जी बोले, इन तीनों चीजों से आपने क्या लर्निंग किया, एक तो आपको 1,000 बोला, एक आपको 100 बोला, एक 5 लाख बोला। तो बच्चे ने बोला कि इसमें मेरे को कुछ भी लाने नहीं, क्योंकि वो भी डिप्रेशन में था। तो पिताजी ने बोला कि बेटा, इससे ये शिक्षा मिलता है कि हमारी जो लाइफ का वैल्यू है सही जगह पे सही रेट होता है। अगर हम लोग को कोई कम रेट बोलता है या उसका जो वैल्यू लेस होता है, तो सोचो ये आपके लिए सही नहीं है, कहीं और जाओ जहाँ पे आपका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा है। तो क्या अगर ये तीनों चीजों को हम लर्निंग में डीप माने कन्वर्ट करेंगे तो सेम है। कैसे, मान लीजिए हम लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, पहले मरते ट्राई करते हैं, अगर होता है होता है, अगर नहीं होता है दूसरे मरते ट्राई, अगर होता है नहीं होता है तीसरे में, लेकिन हम लोग डिप्रेशन में चले जाते। क्या पता वही तीसरे वाला जो हम लोग चांस लेते हैं वहां पे सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो चांस को गवा देते हैं। आगे तो आपको क्या करना है, बार बार जैसे कि बोलते हैं महापुरुष ने बोले, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, और इसके साथ क्या करना है, आपके अंदर मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करना है आपके माइंड को, आपके हार्ट को, जिसे प्योर रहे, डिप्रेशन में नहीं जाए। और डिप्रेशन में एक मत आप चले गए तो क्या होता है, वहां पे आप सबको नेगेटिव मिलेगा, एक भी पॉजिटिव मिलेगा नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।